अनूपगढ़ के घड़साला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अनूपगढ़ विधानसभा में बीजेपी में बड़ी बगावत हुई। पूर्व विधायक शिमला बाबरी की हजारों समर्थकों के साथ जनसभा हुई। घड़साला अग्रवाल धर्मशाला में कार्यक्रम बड़ी संख्या में बीजेपी सहित विभिन्न संगठनों के मौजूद लोग भी वहां पर दिखाई दिए। तो अब चुनाव नजदीक है तो साथ ही साथ समर्थन में अब लोग उतर आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर, जहां पर पूर्व विधायक शिमला बाबरी की हजारों समर्थकों के साथ जनसभा हुई और घड़साना अग्रवाल धर्मशाला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भाजपा सहित विभिन्न संगठनों के लोग भी दिखाई दिए। तो अनूपगढ़ से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर समर्थन में लोग उतर आए। पूर्व विधायक शिमला बाबरी नाम बताया जा रहा है विधायक का, समर्थकों के लिए जनसभा हुई और ये जनसभा की जो तस्वीरें हैं वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुकेश बेनीवाल। मुकेश, क्या कुछ जानकारी इस जनसभा को लेके? अस्था, मैं बता दूं, अनूपगढ़ विधानसभा है जो की बीजेपी का गढ़ रहा है, और वहीं अगर प्रत्याशियों की बात करें तो पूर्व जो विधायक है शिमला बावरी वो टिकट को लेकर काफी नाराज है। अगर देखा जाए तो पूरम में संतोष बावरी बहुत मतों से जीती थी, जिसको लेकर बीजेपी ने उनको दोबारा मौका दिया, तो कहीं ना कहीं उस टिकट को लेकर टिकट न मिलने से नाराज विधायक शिमला बावरी है। वो सैकड़ों सदस्यों के साथ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा की। आज इस जनसभा में उन्होंने निर्णय लिया कि वह चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ेगी और उनके जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा भी उनको सहयोग किया गया है, भी चुनाव में उतारा जाएगा। टिकट ना मिलने का क्या कुछ कारण रहा, क्या सामने आ रहा है? पूरब में अगर देखा जाए तो शिमला बावरी है जो भी काफी बहुमतों से आ रही थी, और अगर देखा जाए तो संतोष बावरी है वो काफी वोटों से 20,000 से ऊपर जो वोट है उनसे जीती थी, तो बीजेपी ने उनके कहीं ना कहीं नए विरोध होने के कारण दोबारा उनको मौका दिया है। और जबकि अगर देखा जाए तो संतोष बावरी ने के जो कार्यकाल रहा है अनूपगढ़ विधानसभा को लेकर और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उनका मेल मिलाप जो देख के उन्होंने बीजेपी ने दोबारा उनको मौका दिया है, तो वहीं शिमला बावरी है उसको लेकर उन्होंने टिकट न मिलने से नाराजगी जाहिर की है। पूर्व में अगर देखा जाए तो इसी तरह पिछली बार भी शिमला बावरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वापस भाजपा ने उनको इसके अंदर शामिल कर लिया। अब देखना यह है कि भाजपा हो सकता है भी भाजपा इनसे नाराज होके आगे इनको टिकट दे भी सकती है, और हो सकता है इनको भाजपा से निकाला भी जा सकता है। इस तरह के मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका।